हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। सो आज मैं आप लोगों के साथ एक पूरी मेकअप किट शेयर करने वाली हूँ, जो कि 300 के अंडर सारे प्रोडक्ट्स उसमें होंगे। सो वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें जो है मॉइस्चराइज़र लेना होता है अपने मेकअप में, तो यहाँ पे मैंने बायोटिक का मॉइस्चराइज़र लिया है और जितने भी जिसकी MRP होगी मैं स्किन पे आपको मेंशन कर रही हूँ। सेकंड चीज़ हमें प्राइमर की नीड होती है और ये प्राइमर बहुत बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है और बहुत अच्छा वर्क भी करता है। फ्रेंड्स, फाउंडेशन में जो है मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो यहाँ पे जो है मेरे 20 रुपीज़ से लेके 280 रुपीज़ तक के सारे फाउंडेशन हैं। यहाँ पे कुछ BB क्रीम भी है इसमें, कुछ CC क्रीम भी है, तो फेयर एंड लवली भी है। तो यहाँ पे ये सारे हैं इसमें, ये स्टिक वाला फाउंडेशन भी है। तो अगर आपको किसी एक में इन्वेस्ट करना है तो आप कर सकते हो। वैसे मैंने आपको सारी चीज़ें दिखा दी क्योंकि ये सारे उसके अंडर ही आ रहे थे, 300 के अंदर ही हैं सब, और बहुत बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल हैं सारे फाउंडेशन। वर्क भी बहुत अच्छा करते हैं सब। फिर मेरे पास ये BB और CC क्रीम है जो कि अंडर बहुत 200 के अंडर आती हैं। फिर यहाँ पे मेरे पास एक ब्लूबेरी का ये कंसीलर था जो कि मैं अपना हर वीडियो में यूज़ करती हूँ, जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगता है। और देन ये एक फिटमी का है यहाँ पर एक कंसीलर, और ये मेरा थोड़ा सा ब्रोकन आया था फ्लिपकार्ट से इस वजह से, पर ये स्विस ब्यूटी का है और मैंने MRP तो आपको मेंशन ही कर दी है। फिर देन मैंने लूज पाउडर लिया है, लूज पाउडर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है मेकअप में, तो यहाँ मैंने इनसाइड का लिया है और कॉम्पैक्ट भी ले सकते हो आप, मैंने LA10 का कॉम्पैक्ट लिया है। देन आपको आईब्रोज में पेंसिल भी ले सकते हो, पाउडर वाली भी ले सकते हो, तो ये मैंने पाउडर वाली दिखाई है आपको स्विस ब्यूटी की। और आप लोग अगर कॉन्टोर में इंटरेस्ट रखते हो, वैसे तो इम्पॉर्टेंट बहुत होता है कॉन्टोर अगर आप करना चाहते हो, वैसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अगर आपके ऊपर डिपेंड करता है वो, तो मैं तो यहाँ पे कॉन्टोर करती हूँ, तो इस वजह से मैंने ये कॉम्पैक्ट लिया है जो कि मैंने डार्क शेड का लिया था। फिर यहाँ पर मैंने रुमाना का हाईलाइटर लिया जो कि बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल और बहुत अच्छा वर्क भी करता है। अगर आप लिक्विड हाईलाइटर लेना चाहते हो तो मेरे पास ये आइकॉनिक का भी है हाईलाइटर, आप देख सकते हो, और MRP मैं आपको सारी मेंशन कर दूंगी स्क्रीन पर, आप देख लेना कौन से प्रोडक्ट की क्या MRP है। फिर यहाँ पे फिक्सर आता है, फिक्सर भी आपको बहुत ज़रूरी होता है मेकअप में लास्ट में करना, ये नहीं कि वैसे आपने कर लिया ओके बट आपको करना ज़रूर होता है। और एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, सन क्रीम भी मैं इसमें ऐड करना चाहती हूँ, तो मैंने लोटस की सन क्रीम ली है। एंड देन एक और मैंने फिक्सर आपको दिखाया था, वो हुडा ब्यूटी का। और ये मेरे पास लिपस्टिक का सेट है जो कि ईच, आप लोग जो MRP जो मैंने दिखाई है आपको स्क्रीन पर, वो ईच की नहीं है, वो पूरे डिब्बे की है, तो बहुत अच्छी डील है ये। और मैं आपको यहाँ पे अपने हैंड पर लगा के भी दिखा रही हूँ, इसका बहुत अच्छा टेक्सचर भी है, बस थोड़ा सा लिक्विड लगता है बट लगने के बाद बहुत ज़्यादा मैट हो जाता है। मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया ये और अफोर्डेबल तो बहुत ज़्यादा है। हुडा ब्यूटी की लिपस्टिक्स हैं सारी, और इसमें सारे शेड्स मिलेंगे आपको, 12 शेड्स हैं सारे, ये आप देख सकते हो कितना अच्छा ये टेक्सचर दे रही हैं। तो ये बहुत अच्छी ज़्यादा डील है, तो आप ज़रूर एक बार इन्वेस्ट करिएगा इसमें। और यहाँ पे मैं मस्कारा ऐड कर रही हूँ जो कि है स्विस ब्यूटी का, और बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है और बहुत अच्छी वॉल्यूम भी ऐड करता है। लाइनर है मेरे पास, ये मैंने दो दो लाइनर दिखाई हैं आपको, ब्लू हेवन और मेबलिन का, आप जो चाहें वो ले सकते हैं। फिर यहाँ पे पॉन्ड्स का है, ब्लू हेवन का थोड़ा हल्का है तो आप अपने अकॉर्डिंग को इसे परचेस कर सकते हो। मैंने ब्यूटी बास्केट का सीरम लिया है और काजल लिया है मैंने यहाँ पर। एंड फ्रेंड्स, आपको आई शेडो में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो थोड़ा आपको थोड़ा ज़्यादा पैसे मतलब लगाने पड़ेंगे, क्योंकि आई शेडो इतना ज़्यादा सस्ता नहीं आता है, बट ये बहुत ज़्यादा सस्ता है, उसके अकॉर्डिंग इसमें सारे शेड्स भी हैं, ग्लेटर भी है, तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। बस थोड़े से आपको पैसे ज़्यादा चाहिए होंगे क्योंकि आई शेडो कोई भी इतना कम में नहीं आता है, वैसे आते हैं कम में बट उनमें कलर बहुत ज़्यादा कम होते हैं, तो आप मेरे अकॉर्डिंग ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। फिर एक ये है कलर क्वीन का,
ये आप देख सकते हो, उसमें भी काफ़ी अच्छे शेड से मैं यूज़ करती हूँ इसको। और ये थोड़ा स्मोकी में अगर आप लेना चाहते हो तो ये स्मोकी पैलेट है जिसमें सारे स्मोकी शेड्स हैं। फिर मैंने आपको ये हिंट के लिए आपको दे दिया है, इसमें आई शेडो भी है और ब्लशर भी है, कॉम्पैक्ट भी है, तो आप इसमें भी अगर हल्का फुल्का मेकअप करते हो तो इन्वेस्ट कर सकते हो। आई होप आप लोग को ये हेल्पफुल लगा हो वीडियो, तो वीडियो कर दीजिएगा लाइक, चैनल कर दीजिएगा सब्सक्राइब।